आप सभी दोस्तों को नमस्कार और आपके सामने बाइकर जोन एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों हमारे पास TVS दोस्तों विक्टर है। दोस्तों इसमें बताने वाला हूँ, जब आपकी गाड़ी माइलेज नहीं देती है तो आप स्क्रू वगैरह इसका कार्बेटर का सेट कराने जाते हैं। दोस्तों मेनली स्क्रू ही नहीं होता एवरेज सेटिंग के लिए, कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हमें मेंटेन रखनी पड़ती हैं। अगर वो हम मेंटेन रखते हैं तो हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक एवरेज देती है। तो जैसा कि बात करें दोस्तों कार्बेटर की, इस तरीके का दोस्तों देखिए इंजन से जुड़ा कार्बेटर होता है ये देखिए। और कार्बेटर का जो दोस्तों वर्क होता है उसके बारे में बात करूँ तो एक तो हमारा कार्बेटर का वर्क होता है दोस्तों इंजन की चाल को कंट्रोल करना, ज़्यादा चाल नहीं जानी चाहिए, और पेट्रोल को मिक्स करना के सही ढंग से मिक्स होना चाहिए, कार्बेटर स्क्रू काम होता है। एक थ्रॉटल को दोस्तों कंट्रोल करना, जैसे ओवर रेस ना हो गाड़ी और कोई दिक्कत परेशानी ना आए, आपकी गाड़ी एवरेज दे, ये सब चीज़ करे दोस्तों। तो मेन जी इसका दोस्तों काम है वो है दोस्तों इंजन की चाल को कंट्रोल करना और पेट्रोल को मिक्स करना। इसलिए दोस्तों एक कार्बेटर तैयार किया जाता है। और दोस्तों बात करें आपकी गाड़ी की, अगर एवरेज नहीं दे रही है दोस्तों इस चीज़ की ये मत समझिए कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल कम डल रहा है या और कुछ हो रहा है, लेकिन दोस्तों अगर गाड़ी मेंटेन रखते हैं तो आपकी गाड़ी 100% एवरेज देगी। जैसे आप अगर सेटिंग करवा के भी थक चुके हैं और गाड़ी एवरेज नहीं दे रही तो दो चार चीज़ मेंटेन आपको करनी पड़ेंगी, और मैं आपको वो आज पूरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ किस तरह से आप अपनी गाड़ी की एवरेज निकाल सकते हैं बड़ी प्यार से बिना कोई दिक्कत परेशानी के। तो इस चीज़ पर दोस्तों खास ध्यान रखना है, और इस चीज़ पर खास ध्यान रख लेंगे तो आपकी गाड़ी बड़ी प्यार से अच्छी एवरेज दे जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है, जैसे आपकी गाड़ी एवरेज देते हैं आप मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक क्या करता है सबसे पहले आपका कार्बेटर का मिक्सचर सेट कर देता है, लेकिन दोस्तों सारी चीज़ मिक्सचर नहीं होता, कार्बेटर का मिक्सचर सेटिंग सब चीज़ नहीं होता है, और उस चीज़ को सेट करके वो दे देता है लीजिए आपकी गाड़ी एवरेज देगी। लेकिन जब भी अगर आपकी गाड़ी एवरेज ना दे तो आपको दोस्तों ये कंडीशन में ये जो मैं बताने वाला हूँ इस पूरी वीडियो में यही अप्लाई करना है, कहाँ क्या चीज़ ध्यान रखनी है, तो मैं यही चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बड़ी मज़ेदार रहने वाली है, तो इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों ताकि आपको आगे आने वाली चीज़ों में नॉलेज भी मिल सके। क्योंकि दोस्तों मेनली जो चीज़ है दोस्तों एक नॉलेज है, आपको नॉलेज होनी चाहिए हर काम की थोड़ी बहुत, तो यही इस वीडियो में दोस्तों मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, आपने जैसे सेटिंग वगैरह कराई और उससे भी दोस्तों बात नहीं बन रही है, आपकी गाड़ी ओवर रेस हद से ज़्यादा कर रही है और कोई भी दिक्कत परेशानी, तो आपका कार्बेटर भी ख़राब निकल जाता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी की जो है दिक्कत परेशानी ये जो मैं बताने वाला हूँ एवरेज की जो है बड़ी प्यार से शॉर्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो दोस्तों पहली चीज़ की बात करें, सबसे रेस मुट्ठे की बात करता हूँ, जैसे रेस का जो मुट्ठा होता है, जैसे आप मैं भी शो करता हूँ आपको रेस का जो मुट्ठा होता है, आप जितनी रेस खींचेंगे उतनी रेस आपकी जाएगी दोस्तों, ये मेनली चीज़ है। ये रेस जितनी खींचेंगे दोस्तों उतना ही पेट्रोल आपकी गाड़ी वो लेगी। जैसे आप पूरी रेस लेते हैं हाईवे पे चलते हैं या पूरी रेस लेते हैं तो दोस्तों गाड़ी जो है ज़्यादा एयर लेती है और ज़्यादा पेट्रोल आपका जाता है। और दोस्तों दो एक चीज़ भी ध्यान रखें, रेस की वायर में प्ले भी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों रेस की वायर में अगर प्ले नहीं है और तार वगैरह साइडों से कट जाता है तो रेस की गाड़ी में प्ले जो है ख़त्म हो जाती है और जो वायर जो है जाम चलता है। तो इससे भी दोस्तों एवरेज का दिक्कत परेशानी बहुत होता है। तो इसी चीज़ का खास ध्यान रखें, गाड़ी में जो रेस की तार में प्ले भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो प्ले नहीं रहेगी दोस्तों आपकी गाड़ी ओवर रेस होती है, ओवर रेस होती है दोस्तों आपकी गाड़ी का जो है पेट्रोल ज़्यादा जाता है तो एवरेज जो है आपकी गाड़ी कम देती है। तो इस चीज़ का भी दोस्तों खास ध्यान रखें। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रख लेना है, जैसे कि अगर रेस की वायर में प्ले वगैरह नहीं होगी तो भी दिक्कत परेशानी आएगी, और रेस की वायर में देखिए थोड़ी बहुत ये प्ले होनी चाहिए ये वाली, और जितनी रेस खींचेंगे दोस्तों उतनी आपकी गाड़ी जो है पेट्रोल यूज़ लेगी। और दोस्तों दूसरी बात करते हैं, दोस्तों आपके चौक की वायर की बात करते हैं, इसमें तो चौक का वायर है ही नहीं, लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ चेक करनी है, इसमें चौक का तार जो होता है आपका कभी क्या होता है इतना खिंचा रह जाता है हल्का सा बिल्कुल मामूली सा, तो इसमें दोस्तों पता नहीं पड़ता है इतने में। तो दोस्तों ये देखिए बिल्कुल जैसे फ्री है, बड़ी प्यार से वहाँ से टाइट कर देना। अगर दोस्तों इससे भी यहाँ से बात नहीं बन रही दोस्तों रेस ये चौक का तार दूसरा डलवा के एक बार चेक करें। दोस्तों चौक की जो है मेन प्रॉब्लम आती है ऐसी गाड़ियों में कि चौक की वायर जो है अंदर ही अंदर जाम हो जाती है और उसके बाद जो है आपकी गाड़ी एवरेज नहीं देती है। तो चौक की वायर का भी दोस्तों खास ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बड़े ख़ास चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। तो और चौक की वायर इस तरीके से रहती है अंदर की तरफ, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। क्या होता है कभी कभी जैसे चौक की तार होती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये चौक की तार का नट है वाला, इसको क्या करना है इसको खोल के हल्का सा इसमें ऑयल लगा के और फिर फिट करना है, क्योंकि क्या होता है अंदर ही अंदर दोस्तों जंग पकड़ के वो जाम हो जाता है, क्योंकि कार्बेटर जल्दी खुलता नहीं है। कार्बेटर जब मेनली पर्पज़ जब दिक्कत परेशानी आती है जब ही जो है कार्बेटर इसका खुलता है,
तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों आप ये 12 नंबर का नट इसमें दे रखा है, 12 नंबर का नट खोलेंगे और उसमें हल्का हल्का साइडों में ऑयल लगा के इसको फिट कर देंगे और चौक की तार दो चार बार चलाएंगे तो ऑटोमेटिक चौक की तार जो है फ्री हो जाएगी। तो इस चीज़ का दोस्तों खास ध्यान रखें ताकि आपकी गाड़ी की जो अच्छी माइलेज बन सके और परफॉर्मेंस अच्छी बन सके। चौक की तार जो है दोस्तों एक चीज़ पे नहीं काफ़ी चीज़ पर असर करती है, तो इस चीज़ का दोस्तों खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों जैसा कि ये हो जाता है दोस्तों, इसके बाद आपको दोस्तों क्या चीज़ चेक करनी है, दोस्तों इसके बाद आपके चेक करनी है टायर आपका फ्री है या नहीं। ये दोस्तों ये देखिए, कभी कभी दोस्तों टायर जो है इनके जाम हो जाते हैं, जैसा कि ब्रेक मारते हैं और टायर जो है जाम रह जाता है तो उससे में कैम टाइट हो जाती है और कैम आप फ्री करना है। जैसा कि दोस्तों मैं टायर आपको चला के दिखाता हूँ अभी गियर में, ये देखिए इस तरीके से दोस्तों टायर जो है फ्री होना चाहिए जिस तरीके से चल रही है गाड़ी। ये देखिए हल्का सा टायर चलाया और टायर देखिए एकदम फ्री, एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से टायर चल रहा है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, अगर टायर फ्री नहीं होता है दोस्तों आपकी गाड़ी जब भी एवरेज कम देती है। दोनों अगला पिछला दोस्तों दोनों टायर चेक कर लेने हैं, जैसा कि दोस्तों हमने पिछला टायर चेक कर लिया है और इस तरीके से फ्री चलना चाहिए जैसे चल रहा है। अब दोस्तों बात करें दूसरे टायर की, अगले टायर की, ये अगले टायर में दोस्तों इसको घुमा के देख लेते हैं एक बार किस तरीके से चल रहा है। ये देखिए दोस्तों अगला टायर फ्री है। दोस्तों क्या होता है कभी जैसे आप डिस्पैड वगैरह नए डलवाते हैं तो दोस्तों टायर जो हल्का जाम हो जाता है तो उसमें भी दोस्तों गाड़ी जो एवरेज कम देती है, लेकिन वो दोस्तों ये पकड़ बना लेता है डिस्पैड तो ऑटोमेटिक टायर जो है फ्री हो जाता है। इस चीज़ का भी दोस्तों खास ध्यान रखिए आपकी डिस्पैड जो है ख़राब ना हो। तो इस चीज़ का दोस्तों इन दो चार चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। और टायर में दोस्तों हवा जरूर चेक कर लें, हवा नॉर्मल हो, 35-40 हो, आगे 35 और पीछे 40 हो कम से कम। और दोस्तों बात करें इन चीज़ों की, दोस्तों प्लग भी को भी आपको चेक कर लेना। कभी कभी क्या होता है दोस्तों इसके जो ये टापा होता है इसके अंदर टैपिट होते हैं, टैपिट तो दोस्तों टैपिट भी लूज हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं दोस्तों, आपका गाड़ी जो है पिकअप भी तोड़ देती है अगर टाइट हो जाते हैं तो, प्रेशर और गाड़ी जो है एवरेज भी नहीं देती। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी का जो सर्विस वगैरह कराएं तो सर्विस वगैरह में आप जो है इस चीज़ को ज़रूर चेक करा लें ताकि आपकी जो है गाड़ी बढ़िया एवरेज दे सके। कभी कभार दोस्तों क्या होता है कार्बोरेटर के आगे रबड़ होती है, ये भी दोस्तों कट जाती है, दिखाई नहीं देती है, साइडों से हल्का हल्का कट जाती है, यहाँ से गाड़ी एयर लेती है, तो एयर लेती है दोस्तों यहाँ से फिर गाड़ी दिक्कत परेशानी आती है इस चीज़ में। तो इस चीज़ का दोस्तों कभी कभी ये नट भी हल्के हल्के लूज़ हो जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, पैकिंग वगैरह चेक होनी चाहिए, दो चार चीज़ें ये चीज़ होती हैं। तो इस चीज़ का दोस्तों दो चार चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। और ऊपर का दोस्तों एक ये हॉर्स के ऊपर पाइप देख रहे हैं, ये पाइप भी दोस्तों कभी कभार जो है कट जाता है और एयर यहाँ से लेना शुरू कर देता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी गाड़ी जो है ये एयर तो नहीं, पाइप तो नहीं कट गया है और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो गई है ताकि आपकी गाड़ी जो एवरेज नहीं दे रही है। और फिल्टर हो गया दोस्तों, आपकी गाड़ी फ़िल्टर वगैरह सही सब होना चाहिए। एयर फिल्टर दोस्तों एक बहुत अहम हिस्सा है तो एयर फिल्टर ज़रूर क्लीन करा लें अगर आपकी गाड़ी एवरेज वगैरह में दिक्कत आ रही। क्या होता है दोस्तों कभी कभार क्या होता है इसका एयर फिल्टर जो है चौक हो जाता है, जब एयर फिल्टर चौक हो जाए तो गाड़ी जो है एवरेज बिल्कुल भी नहीं देती। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि एयर फिल्टर भी दोस्तों आप साफ़ करवा लें। और दोस्तों एयर फिल्टर एक बहुत बड़ी चीज़ है तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और दोस्तों बात करें इसका टैपिट की सेट, ये तुम्हारा क्लच की सेटिंग भी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। ये क्लच की सेटिंग बढ़िया रहेगी दोस्तों, क्या होता है कभी कोई गाड़ी जो है गाड़ी का क्लच जो है ज़्यादा टाइट हो जाता है तो उठती दोस्तों कम है और कई बंदे क्या होता है क्लच जो है दबा के चलाते हैं और गाड़ी जो है फिर पिकअप एवरेज भी कम देती है और पिकअप में भी गाड़ी में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी जो है ये क्लच का जो सेटिंग है ये भी एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। क्लच की सेटिंग में दोस्तों हल्का सी प्ले होनी चाहिए, ये देखिए ये दोस्तों प्ले होनी चाहिए और इस तरीके से दोस्तों क्लच चलना चाहिए। अगर ऐसी एवरेज रहेगी तो ऐसे ही सिस्टम सब सही रहेगा तो दोस्तों आपकी गाड़ी तो 100% एवरेज देगी। ये दो चार चीज़ें दोस्तों चेक करने की होती हैं जो मैंने बताई आपको, ये दो चार चीज़ें आप चेक कर लेते हैं तो आपकी गाड़ी 100% एवरेज देगी। अब दोस्तों ये सब चीज़ चेक करने के बाद आपको जो है इसका एवरेज सेटिंग करानी है। जैसे आपने जो मैंने बताया तुम्हें रेस की वायर में प्ले हो गया, रेस का मुट्ठा हो गया और तुम्हारा ये चौक की केबल हो गई, टायर फ्री होना चाहिए और टैपिट सेट हो गए और दोस्तों सब चीज़ इसके एयर फिल्टर हो गया, हॉस पाइप हो गया, इन सब चीज़ चेक करने के बाद दोस्तों आपका जो है ये टैप एवरेज जो है सेट होनी चाहिए। और एवरेज सेट करने के बाद दोस्तों बात करें एवरेज कैसे सेट करेंगे, आपको सबसे पहले 4000 से 3500 का RPM रखना है और उसके बाद जो है तीन गुना आपको मिक्सर जो है एयर मिक्सर खोल देना है। तीन गुना एयर मिक्सर खोल देंगे तो आपकी गाड़ी 100% एवरेज देगी दोस्तों। और रेस फिर उसके बाद कम कर देनी है। मैंने एवरेज सेटिंग खैर दिखाया हुआ है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं दूसरी में। और आपकी गाड़ी दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, आपकी गाड़ी धुआं नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी धुआं दे रही है तो दोस्तों एवरेज जो है आपकी गाड़ी नहीं देगी, एवरेज जो है बहुत कम देती है धुएँ जब गाड़ी देती है, ऑयल वगैरह पीती है और दोबारा ऑयल मांगती है तो इससे दोस्तों दिक्कत परेशानी बहुत बढ़ जाती है। अगर आपकी गाड़ी धुआं दे रही है तो इंजन का काम कराएँ और इंजन का काम कराने के बाद दोस्तों
उससे एवरेज आप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन पहली सर्विस के बाद। तो इस तरीके से दोस्तों दो चार चीज़ें होती हैं, जैसे कि देखिए ये दोस्तों एयर स्क्रू है, ये RPM स्क्रू है, ये वाला ये दिखा रहा हूँ, इसको टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद दोस्तों जो एयर स्क्रू है उसको तीन गुना खोल देना है, और तीन गुना से मैं दोस्तों हर गाड़ी की एवरेज सेट हो जाती है नॉर्मल, और तीन गुना में दोस्तों करके और दोस्तों आप अपनी रेस को कम कर सकते हैं। दोस्तों दो चार चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इस तरीके से दोस्तों आप जो है बड़ी प्यार से अपनी गाड़ी से एवरेज जो है निकाल सकते हैं। और अपने ऐसी मैं वीडियो दोस्तों लाता रहता हूँ, ऐसी एकदम बेहतरीन वीडियो मैं लाता रहता हूँ, और प्लग वगैरह भी चेक कर लें। और ऐसी वीडियो दोस्तों देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, और कमेंट करके बताएं भी कैसे क्या रहा, कमेंट करके बताएंगे दोस्तों पता रहेगा मेरे को कैसी वीडियो आखिर बन रही है। और कोई दिक्कत परेशानी आपको इस वीडियो में लग रही है ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, और कीप सपोर्ट करें दोस्तों, आपस में दोस्तों को सपोर्ट करें। धन्यवाद।